नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी में अनुमति पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुमति पत्र लेखन का विषय है शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए पत्र लिखो। इस प्रकार का प्रश्न आपको हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको किस प्रकार अनुमति पत्र लिखना है हम उदाहरण के सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की दिनांक लिखनी। इधर मैंने उदाहरण दिया है 29 जून 2022 प्रति। अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है तो प्रति में प्राचार्य के नाम, अपने विद्यालय का नाम और शहर का नाम आएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया है श्री प्राचार्य महोदय कॉमा अभिनय विद्यालय कॉमा परभणी। उसके बाद विषय आएगा बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति मांगते हेतु पत्र। संदर्भ बैंड सामग्री का सूची पत्र। महोदय, मैं सुहास घरे 8वीं कक्षा का छात्र और विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि होने के नाते यह प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। पाठशाला के बैंड पथक का गठन हो गया है और उन्हें अगले महीने से तैयारी शुरू करनी है। बैंड पथक को उत्कृष्ट बनाने हेतु कुछ नई सामग्री खरीदना आवश्यक है। परभणी की ही एक दुकान से मैंने बैंड सामग्री का सूची पत्र मंगवाया है जो इस पत्र के साथ जोड़ दिया है। उस सूची पत्र पर मैंने कुछ निशान लगा दिए हैं जिनको बैंड पथक के लिए खरीदा जाना आवश्यक है। कृपया आप उस सूची पत्र पर गौर करें और सामग्री खरीदने की अनुमति प्रदान करें। उम्मीद है कि अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाने हेतु बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री दिलवाने की अनुमति देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी कॉमा सुवास घरे विद्यार्थी प्रतिनिधि कक्षा 8वीं ब। इस प्रकार आज हमने विषय हिंदी में अनुमति पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।